আতে গা সিদে আপে চিলকেতে পয়সা কাপে নাম যাতাই কিনা গোয়ে জনা কমে তাল তানা এনতে কালে নাম যাতাই কিনা আ চিমন স্যার লেখা কাপে নামলা দু স্যার কালে নামলা আর ইনাতে আপে জানা আপে চিকে কিদা ইনাতে আমি যে দিন এনতে সাপ তাবু জানা দিন আর না দে চি আপে নাম যাদা না বলে নাম যাদা वर्ष 2013 में ओमटो देवी के साथ साथ अन्य तीन महिलाओं को मृत घोषित करके 2 साल से उनको वृद्धा पेंशन योजना का लाभ से वंचित कर दिया गया था। हर एक महीना महीना और इसका हम लोग चेकआउट करते हैं। ऐसा होता है कि कहीं के काम के बहाने बाहर चले गए हैं तो ऐसी स्थिति में रिपोर्ट आ जाता है कि नहीं वो तो डेथ कर गया, प्लान हो गया, ऐसी स्थिति में वृद्धा पेंशन रुक जाता है। सरकार का नियम है कि उनको रहना है, क्योंकि सरकार की लाभ तब मिलेगी जब यहाँ गांव में रहेंगे। मैंने स्थानीय जांच कराया, उसमें लोग गांव में नहीं था, ऐसा रिपोर्ट आया था। तो बाद में फिर सर्वे करा के मैंने देखा कि ये लोग सही है, तो इस पर पहल किया और जो लोग अभी लोग को चालू हो गया मिलने का, वृद्धा पेंशन अभी मिल रहा है। मुंसिले का पाओ किधर आओ किधर लोग मुंसिले के दो ना ची उड़ा दुवर चला और जांच मनो पतिंग आता ना चिका गे नहीं आता ना ले आ चिल का पेटोर इधर नाम के ची मदे के टोर इधर। मैं इस पहल के लिए अंचल पदाधिकारी महोदय खूंटी कानूराम नाग को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस समस्या पर उचित कार्रवाई की और इन वृद्ध महिलाओं को पुनः वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सचमुच सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे समुदाय को तब मिलेगा जब आप जैसे लोग आगे आएंगे, और ये संभव तब है जब सरकारी पदाधिकारी इस तरीके से हमारी मदद करते हैं, तो समाज में एक बड़ा बदलाव निश्चित है। मैं अमिता, झारखंड के खूंटी जिले से, इंडिया अनहट के लिए।